सर आज जवा गाँव पहुँचे हो, जनसंवाद कार्यक्रम है, क्या क्या प्रोग्राम रहा है, क्या क्या समस्या? आज पटना विधानसभा के जनसंवाद कार्यक्रम चल रहे हैं और आज ये तीसरा गांव है और इसके बाद अभी सागरपुर और कटरा भी जाएंगे और आज पांच गांव इस विधानसभा के कर रहे हैं। और ज़्यादातर जो जन मूलभूत सुविधाएँ हैं आपकी, बिजली की, पानी की, सड़क की, ये ज़्यादा शिकायतें आ रही हैं तो इनको हमने अधिकारियों को मौके पर दिशा निर्देश दिए हैं कि इनको जल्दी से ठीक करें। मोहना गांव में उतार चढ़ाव को लेकर के भी आपको ज्ञापन सौंपा है सरपंचों ने, हीरापुर भी और जवा गांव में, क्या कहना चाहोगे सर? देखो, मोहना गांव में जो उतार चढ़ाव के लिए जो रास्ता के लिए जो मांग रखी है वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी आश्वस्त किया है और हमारे केंद्रीय मंत्री गडकरी साहब ने भी आश्वस्त किया है और आज मेरे को भी दिया है तो मैं भी माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इस समस्या का जल्दी से समाधान किया जाए। आज गांव जमा में उपस्थित हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री आदरणीय माननीय श्री बनवारी लाल जी, भाई विजेंद्र नेहरा जी, ब्लॉक समिति के चेयरमैन भाई चंद्रपाल जी, एसडीएम महोदय, अन्य अधिकारीगण, गांव के सरपंच भाई विष्णु जी और बहुत अच्छी तादाद में मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, युवा साथियों और अच्छी तादाद में मेरी माताओं बहनों, आज का कार्यक्रम किसी भाषण का या किसी राजनीतिक प्रोग्राम का नहीं है। आज माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के आदेश पर, उनकी कृपा से सभी मंत्रीगण, सभी विधायकगण, सांसदगण क्षेत्र में जाकर के जितनी भी मूलभूत सुविधाएं हैं जितनी समय पर ठीक कर सकते हैं जनसंवाद कार्यक्रम के द्वारा उन सबका निपटान करने के लिए आज आपके बीच में माननीय बनवारी लाल जी आए हैं। सरपंच साहब, आज जनसंवाद कार्यक्रम था आपके गाँव में, मंत्री कैबिनेट मंत्री बनवारी लाल जी भी आए और विधायक नैनपाल रावत जी आए, क्या क्या शिकायत गांव वालों ने दी है और जिन पर कार्रवाई की? हमारी जो मुख्य शिकायत थी, एक तो हमारे गांव का स्कूल 12वीं तक बनाए जाए, उसकी बाउंड्री वाल के पैसे आ चुके हैं, बाउंड्री नहीं ठीक हुई है। दूसरी सबसे मुख्य शिकायत है पेंशन, जो उम्र दराज है जिनकी उम्र 65 तक चली गई है उनकी पेंशन नहीं बन रही है। और क्या क्या कारण है जो पेंशन नहीं बन पा रही है? कुछ कागजों में दिक्कत है, वो दिक्कत मंत्री जी ने आश्वासन दिया हमें कि मंडी को कैंप लगाया जाएगा और उनकी दिक्कतें दूर होंगी।